नमस्कार दोस्तों और स्वागत है सभी लोग का इस प्रो कॉम्बैट पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल फुटबॉल टीम के बारे में और मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प न्यूज़ यहाँ पे जो निकल के आ रही है इंटरनेशनल फुटबॉल टीम से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपने वीडियोज़ में कि हमारा जो रीशेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ज्वाइंट जो कि क्वालिफायर्स है AFC एशियन कप 2023 के लिए भी, तो उसका जो यहाँ पे शेड्यूल है वो री अनाउंस कर दिया गया है। और हमारा जो आने वाला जो पहला मैच है वो है कतार के खिलाफ 8 अक्टूबर को, और ये जो मैच है दोस्तों वो इंडिया में होने वाला है। लेकिन इसके लिए हमें तैयारियाँ करनी पड़ेगी क्योंकि जो खिलाड़ी हैं दोस्तों मार्च के बाद मैक्सिमम खिलाड़ियों ने कोई भी मैच नहीं खेला है और इसके चलते जितने भी खिलाड़ी दोस्तों हमारे हैं वो ऑफ टच हैं और उनको यहाँ पर टच मिलाने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। तो इसी पे यहाँ पे इगोर शिमश ने कहा है कि उनको लगभग कम से कम 8 हफ्ते चाहिए होंगे यहाँ पे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को रीयूनाइट करने के लिए, कैंप होल्ड करने के लिए और उनको यहाँ पे अच्छे से ट्रेन करने के लिए कतार के खिलाफ जो मैच होने वाला है उससे पहले। तो ये जो यहाँ पे दोस्तों चीज़ें हैं उनमें उन्होंने और भी कुछ पॉइंट्स जोड़ी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब हमारी टीम है दोस्तों उनको यहाँ पे कुछ फ्रेंडलीज की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कुछ मैचेस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे रीयूनाइट होने के लिए, टच में आने के लिए। तो उसके लिए हो सकता है कि हमारी जो नेशनल फुटबॉल टीम है वो यूरोप जा सकती है। और कौन से कंट्री जा सकती है वो मैं आपको बता दूं। पहले तो यहाँ पे क्रोएशिया, जो कि हमारे जो हेड कोच हैं इगोर शिमश, वो क्रोएशिया से ही आते हैं और वहाँ पे पहले से भी दोस्तों ये शेड्यूल्ड था लगभग जून जुलाई मई में कि यह जो हमारी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम है वो जाती है यहाँ पे यूरोप, वहाँ पे लगभग 10 मैचेस खेलती और वहाँ पे काफ़ी समय बिताने वाली थी। लेकिन जैसे COVID-19 का सिचुएशन हुआ उसके बाद ये सारी जो चीज़ें थी दोस्तों वो डिरेल्ड हो गई। लेकिन अब जैसा कि धीरे धीरे अब सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन इंडिया में तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यूरोप में अगर हम बात करें दोस्तों तो धीरे धीरे जो सिचुएशन है COVID-19 की वो कंट्रोल में आ रही है। तो उसके चलते जो मैचेस हैं इंडियन फुटबॉल टीम के, जो फ्रेंडली मैचेस हैं, जो उनसे पहले जो ट्रेनिंग लेगी कतार के मैच से पहले, जो हमारी जो टीम ट्रेनिंग लेगी इंटरनेशनल फुटबॉल टीम, वो जो है वो यूरोप में हो सकती है। और कौन कौन सी कंट्री में हो सकती है वो मैं आपको बता दूं। पहले तो मैंने आपको क्रोएशिया बताया, उसके बाद स्लोवेनिया, उसके बाद दोस्तों तुर्की। ये जो तीन कंट्रीज़ हैं उसमें हमारी नेशनल फुटबॉल टीम ट्रेन कर सकती है, यहाँ के क्लब्स के खिलाफ मैचेस खेल सकती है, यहाँ की नेशनल फुटबॉल टीम जो रिजर्व साइड हो सकती है उसके खिलाफ मैचेस खेल सकती है और वहाँ जाके वो ट्रेनिंग करेगी। क्योंकि यहाँ जो सिचुएशन है दोस्तों इंडिया में COVID-19 की वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है खिलाड़ियों के लिए। मैचेस भले अक्टूबर में हो सकते हैं लेकिन उससे पहले 8 वीक मतलब लगभग 2 महीने पहले हमें यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अगस्त से कम ट्रेनिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगस्त तक यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसके बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही मेयर चांसेस हैं, लगभग 1-2% चांसेस है कि बिल्कुल सेफ सिचुएशन हो जाएगा अगस्त से। तो इससे रिलेटेड ही यहाँ पे बिल्कुल बात तय है कि अगर यहाँ पे मैचेस बिल्कुल तय हैं कि 8 अक्टूबर से होने हैं कतर के खिलाफ, तो हमारी नेशनल फुटबॉल टीम को ट्रेन होना पड़ेगा। क्योंकि ना सिर्फ ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 का क्वालिफायर होगा बल्कि यहाँ पे AFC एशियन कप 2023 के लिए भी क्वालिफिकेशन का यहाँ पे रोल प्ले करेगा। तो ये जो मैचेस है दोस्तों आने वाले 3 मैचेस, यानी कि कतर के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के फ्यूचर के लिए और हमारे जो इंडियन फुटबॉल है उसके लिए। तो यहाँ पे इन तीनों मैचेस को हमें बहुत ही सीरियस लेना पड़ेगा और अगर मैचेस जैसे कि होते हैं तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी मद्देनज़र में जो हमारी टीम है वो स्लोवेनिया, तुर्की या क्रोएशिया, ये 3 कंट्रीज़ में से कोई कंट्री जा सकती है यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए और लगभग यहाँ पे 8 वीक्स वहाँ पे गुजारेगी, उसके बाद यहाँ पे आएगी और यहाँ पे कतार से मैच होगा उसका। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी नेशनल फुटबॉल टीम यहाँ पे जाए यूरोप और सेफली यहाँ पे रहे, अच्छे से ट्रेनिंग करे और वापस आते ही कतार को हराए और बड़ा ही उलट फेर करें यहाँ पे इंटरनेशनल फुटबॉल टीम के हिस्ट्री में और साथ में वर्ल्ड फुटबॉल के भी हिस्ट्री में। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी वो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करिए, वहाँ भी हमारे लगभग 250 फॉलोवर्स हो चुके हैं और वहाँ मैं यहाँ पे जितने भी ट्रांसफ़र न्यूज़ आते हैं, ट्रांसफ़र न्यूज़ मैं इसलिए लेके नहीं आता दोस्तों क्योंकि वो जो न्यूज़ रहते हैं वो लगभग 60-70% जो रहते हैं वो रूमर्स रहते हैं और उनका जो रियलिटी से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो वैसे अगर आपको न्यूज़ चाहिए दोस्तों जो कि बाकी यहाँ पे चैनल्स देते हैं, तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया है, वहाँ पे जितने भी अपडेट्स, छोटे से छोटे अपडेट्स, कोई भी अपडेट्स आएंगे इंटरनेशनल फुटबॉल के, इंडियन फुटबॉल के, वहाँ मैं जितने भी अपडेट्स आऊँगा सबका यहाँ पे रोज़ यहाँ पे फीड करता हूँ। तो वहाँ आप जाके मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, उसका भी नाम स्पो कॉम्बैट ही है, मैंने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वीडियो करते हैं ख़त्म, बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे और तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए और इंतज़ार करिए कि हमारी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम जल्द से जल्द यहाँ पे एक्शन में वापस आए।